नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को. ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है आपको, देखिए साइन साइन स्क्वायर. पहले हम एक्सप्रेशन कॉपी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं. बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दें. देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप साइन 22 को क्या लिख सकते हो, साइन 22 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 68. यस और नो? यस सर. भाई 90 माइनस 68 कितना होता है, 22. तो 22 की जगह हमने क्या लिखा, 90 माइनस 68. भाई 90 में से 68 माइनस करोगे 22 ही तो आएगा. ठीक. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन 22 इज इक्वल्स टू साइन 22 डिग्री डिग्री है. ठीक. अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, सभी बच्चों को पता है. तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 68. तो यहाँ थीटा की जगह क्या रख दोगे, 68. साइन 90 माइनस 68 इज इक्वल टू कॉस 68. ये लीजिए तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, कॉस 68. यानी कि साइन 22 डिग्री को आप क्या लिखोगे, कॉस 68. ये हमने आपको दिखा दिया कैसे हमने उसको किया है. ओके स्टूडेंट्स अब ध्यान दे जरा, अगर साइन 22 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 68 है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो. ठीक है. अगर हम लेफ्ट में स्क्वायर करें और राइट में स्क्वायर करें, ठीक, तो इनके स्क्वायर भी आपस में इक्वल होंगे. अब यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री. ये सुनो. ठीक है स्टूडेंट्स तो इस तरीके से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर 22 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 68 डिग्री. ठीक है ना. ओके तो थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यही काम आपको यहाँ पे करके दिखाना है. ठीक है ना, ऐसे मतलब डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो आप, ये काम आप यहाँ पे करके दिखाओगे. तो कैसे करके दिखाओगे ये मैं आपको दिखाता हूँ. आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे साइन स्क्वायर और ये 22 की जगह आप क्या करोगे, 90 माइनस 68 लिख दोगे. बस समझ गए, 90 माइनस 68 लिख दोगे और प्लस ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर 68. ठीक है ना, डिवाइडेड बाय. अब डिनोमिनेटर में भी यही करना है, क्या लिखा है देखिए, कॉस स्क्वायर. तो हमने लिखा कॉस स्क्वायर और 22 की जगह क्या लिखना है आपको, 90 माइनस यानी कि 90 डिग्री है, डिग्री 90 डिग्री माइनस 68. कुछ नहीं करना है, 22 की जगह 90 माइनस 68 लिखना है और प्लस ये कॉस स्क्वायर 68 ऐसे ही रहेगा और प्लस 68 डिग्री है. मैं डिग्री नहीं लगा रहा हूँ तो आप लगा लेना. ठीक. अब सुनो, ये एज इट इज रहेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ये ऐसे ही रहेगा और प्लस. अब ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, कॉस 63 डिग्री को आप ऐसे ही रहने दो क्योंकि यहाँ देखो साइन स्क्वायर 63 है. अगर आपको कॉस स्क्वायर 63 मिल जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा समान हो जाएगा. तो ये वाले कॉस को ऐसे ही रहने दो और साइन को आप क्या करोगे, चेंज करोगे, यानी कि साइन के एंगल को चेंज करोगे. 27 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 63. कुछ नहीं करना है, ये वाले 27 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 63. ठीक. तो 90 माइनस 63. ठीक. कलर अलग अलग नजर आ रहे होंगे आपको. ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. ओके चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा यानी कॉस 68 और स्क्वायर स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस ये एज इट इज रहेगा यानी कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री. ओके साइन स्क्वायर 68 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स तो साइन स्क्वायर 68 डिग्री. ओहो भाई चलो देखो, साइन स्क्वायर 68 डिग्री. ओके डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा. अब देखो आप स्क्वायर के बारे में छोड़ो पहले, आप कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. ये देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा. ठीक है. तो यहां से कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा. थीटा की जगह 68. अब करना कुछ नहीं, अगर यहाँ स्क्वायर लगाओ तो आप स्क्वायर लगा सकते हो, साइन स्क्वायर 68 और प्लस
ये वाला प्लस हमने यहाँ कॉपी किया, प्लस सब कॉस स्क्वायर 68, तो कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, और प्लस अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये साइन स्क्वायर 63 ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे हो गया, और प्लस कॉस 63 ऐसे ही रहेगा, कॉस 63 डिग्री ऐसे ही रहेगा, इनटू अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, साइन 90 माइनस थीटा, फिर से वही बात, कॉस थीटा भाई साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 63, तो साइन 90 माइनस थीटा ये देखिए कॉस थीटा होता है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा की जगह 63 डिग्री, ठीक ये हो गया। अब अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं क्लियर है प्लीज कॉपी कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे रब कर दूंगा अभी ऊपर का, ठीक है कॉपी कर लीजिए, कर लिया चलिए। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ओके सो क्वेश्चन भी आपका चला गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है अभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, अंडू करना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन भी चला गया, वेट वेट वेट, नहीं तो हम ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, है ना, सो क्वेश्चन क्यों जा रहा है भाई, ओके चलो अब बच गया क्वेश्चन, ओ चलो गया, ठीक अब देखो जरा यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, भाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 पढ़ा आपने, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हो, कंडीशन ये कि थीटा मैच करना चाहिए, मतलब यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, ठीक मतलब एंगल मैच करने चाहिए, चेक कर लीजिए यहाँ पर cos स्क्वायर 68 और प्लस साइन स्क्वायर 68 एंगल मैच कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है सो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में हो गया 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी यही चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 बाय 1 हो गया, और प्लस अगर आप डायरेक्ट चाहते तो कट भी कर सकते थे, क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे पूरा कट जाएगा, आंसर वन आएगा, जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक प्लस क्या ये आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री, और प्लस अब देखिए स्टूडेंट्स cos theta into cos theta कितना हो जाएगा cos square theta, भाई cos theta into cos theta क्या होता है cos square theta, ठीक है अब जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए अगर कहीं लिखा है ऐसा cos theta into cos theta तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है cos square theta, ये मतलब होता है इसका, जैसे x into x x square होता है वैसे cos theta into cos theta cos square theta होता है, ठीक तो अब थीटा की जगह क्या आ रहा है यहाँ 63, तो आंसर क्या आएगा cos 63 into cos 63 cos square 63 डिग्री लीजिए, अब ये दोनों क्या बना देंगे sin square theta plus cos square theta 1, तो देखो 1 by 1 तो कितना हो गया 1, 1 by 1 हो गया 1 और प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1, और 1 plus 1 कितना हो जाएगा 2, सो जाके देख लीजिए स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए,